Hello, dear students. I am Anju Bansal and I welcome you all to my online English class. Today, I will read and explain the chapter Nina is the Winner from your English Reader book. In this chapter, we are going to learn about the importance of good values. Good values means good habits. Achhi We should become a good person in our life and we should always be kind and helpful. हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हर नेम इज नीना एंड बिकॉज ऑफ हर गुडनेस अपनी अच्छाई की वजह से बिकॉज शी इज वेरी काइंड एंड वेरी डे नाउ लेट एस रीड दिसम्स दिनर नीना वॉज वेरी एक्साइटेड एज द नेक्स्ट डे एन्युअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन हर स्कूल तो क्यों एक्साइटेड थी नीना एक्साइटेड मीन्स वेरी एंक्स उसे बहुत इंतजार था. क्यों था बिकॉज उनके स्कूल में क्या होने वाला था एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स डे जब आपके स्कूल में भी होता है तो आप सब कितने खुश होते हो वेट करते हो उस दिन का ताकि आप भी रेस में पार्टिसिपेट कर सको सो शी हैड गिवेन हर नेम फॉर हंड्रेड मीटर रेस एंड शी वॉज कॉन्फिडेंट Confident means she was very sure that she would be the winner. Nina's best friend was Medha. She was also a good runner. This sports competition was going to be special. Why it was going to be special? Because the principal had announced that a trophy would be also awarded to the best student of the school. so इस बार उनका स्पोर्ट्स डे स्पोर्ट्स कंपटीशन वाज वेरी स्पेशल और सारे बच्चे एक्साइटेड थे व्हाई? बिकॉज दिस टाइम द प्रिंसिपल प्रिपल है वॉट इज दट स्पेशल ट्रॉफी इट विल बी गिवन टू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल जो पूरे साल जिसने अच्छे काम किए होंगे या जो बहुत अच्छा काइंड हार्टेड पर्सन होगा इट विल बी गिवेन ओनली टू दैट वन स्टूडेंट तो पूरे स्कूल में से किसी भी हम एक स्टूडेंट को जो बहुत अच्छा है उसे हम बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी देने वाले हैं दैट इज वाई नीना वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड की पता नहीं इस बार किसको मिलेगी वो वाली ट्रॉफी एवरी वन इन द स्कूल सीम्ड वेरी एक्साइटेड द स्कूल ग्राउंड वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड इट वॉज द डे वन द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी हेल्ड और उस दिन जब आप स्कूल जाते हो तो क्या देखते हो आप सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं बहुत वेट करते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी और जो नहीं पार्टिसिपेट करते है वो भी ताकि वो अपने सब फ्रेंड्स को चेयर कर सके उनके लिए शाउट कर सके ओके और उनके लिए क्लैप कर सके सो देट इज बाय ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल वीर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड और स्कूल वॉज वेरी डेकोरेटेड, द चीफ गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड हैड आल्सो कम टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रेन सारे पेरेंट्स भी आए हुए थे वहां पे नीना एंड मेधा वर वेटिंग फॉर द रेस टू स्टार्ट आफ्टर द चीफ गेस्ट स्पीच द हंड्रेड मीटर्स रेस वॉज अनाउंसड तो सबसे पहले जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है What happens in the beginning? First there is a speech by the chief guest and Uski Badzhari even start So after the speech it was announced for the hundred meters race and Nina and Medha both were ready to take part in it. All the participants took their position and started running as soon as the signal was given. Nina gradually picked speed. She was running ahead of all the participants. And just behind her was her best friend, Medha. So, kya hua? Jesse's signal was given and it was said, ready, steady and go. All the participants, they started running very fast. And gradually means slowly, slowly. Starting with to aap thode se slow hoti ho. Then you take speed, no? So Nina started running very fast and she was in the front sabse aage wo and who was just behind her her best friend Medha just when they were going to reach the finishing point Medha sprained her ankle and fell down on the ground what happened Medha ko ekdam se chot lag she injured her ankle and she fell down Nina saw her falling down

या अपनी प्राइज के लिए रन करते एंड शी थॉट फॉर अ सेकेंड एंड रिटर्न बैक टू हेल्प हर फ्रेंड उसने डिसाइड कर लिया था कि रेस तो बाद में भी जीत सकते हैं मुझे अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए द गर्ल बिहाइंड मेधा क्रॉस द फिनिशिंग पॉइंट एंड दस गॉट द फर्स्ट पोजिशन सुप्राइज किसको मिला हु रेस द गर्ल बिहाइंड मेधा वो तो फॉरन दौड़ गई

and took her to the medical room at the time of the prize distribution the chief guest called nina to the stage and asked her dear you were just near the finishing point and would have stood first why did you stop and lose your chance to win the first prize so saris jane surprised the even the chief guest hai, even he was surprised कि व्हाई नीना डिड लाइक दैट व्हो जरा सी दूर और रन कर लेती देन शी वुड हैव बिकम द फर्स्ट प्राइज विनर बट बिकॉज़ शी वेटेड टू हेल्प हर फ्रेंड शी लॉस्ट द प्राइज सो ही आस्क्ड हर ही कॉल्ड हर ऑन द स्टेज जब लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है दैट टाइम ही कॉल्ड हर ऑन द स्टेज एंड ही आस्क्ड हर द रीजन नाउ व्हाट नीना सेड जस्ट लिसन केयरफुली नीना रिप्लाइड सर मेधा इज माई बेस्ट फ्रेंड शी वॉज इन ट्रबल द प्राइज कैन बी वन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो बट इट वॉज माई मॉरल ड्यूटी टू हेल्प माई फ्रेंड ड्यूरिंग हर डिफिकल्ट टाइम सो नीना टोल्ड द चीफ गेस्ट कि प्राइस तो मैं नेक्स्ट ईयर भी जीत सकती हूँ आई कैन विन इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो बट अभी तो माई फ्रेंड वॉज इन ट्रेबल नो इतनी मुश्किल में थी वो सो फर्स्ट आई शुड गो एंड हेल्प हर ये हमारी ड्यूटी बनती है इट इज माई मॉरल ड्यूटी द चीफ गेस्ट एंड द अदर लिसनर्स वर मच विद सेंस ऑफ ड्यूटी दे वर दे वर वेरी हैप्पी दे एडमायर कि कितना अच्छी गर्ल है ये सच गुड वैल्यूज शी हैज नीना लॉस द रेस बट द प्रिंसिपल अवार हर द बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी रिमेर प्रिंसिपल ट्रॉफी डिक्लेयर करी थी करी थी कि हम एक स्पेशल बच्चे को जो बहुत अच्छा है उसे हम बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी बिकॉज ऑफ अर गुडनेस क्यूंकि उसने एक अच्छा काम किया था शी डिड अ गुड वर्क ऑल द स्टूडेंट टीचर्स एंड गेस्ट क्लैप्ड फॉर नीना स्टूडेंट्स so क्या सीखा आपने इससे कौन सी वैल्यू सीखी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए उन्हें हेल्प करना चाहिए वी शुड बी काइंड हार्टेड सो दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी आई होप you यू ऑल हैव this lesson very well please read it once again and note down the difficult words in your copy That's all for today. Thank you and goodbye.